हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य केदारी फ्रॉम ARK एकेडमी। आज इकोनॉमी का टॉपिक लेते हैं। 27 जून को MSME डे था, वर्ल्ड MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इंडिया में ये बहुत सारे हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम एंटरप्राइजेस, बहुत सारे। और ये हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद द सेकेंड मोस्ट हाइएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है MSME। उसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी हमारे देश ने लॉन्च की है, मेड इन इंडिया जो स्कीम है, आत्मनिर्भर बनी है, सेल्फ रिलायंट बनी है। तो इसके ऊपर MSME को काफ़ी हम सुविधाएं दे रहे हैं, सरकार सुविधाएं दे रहे हैं। तो अभी जैसे प्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इनिशिएटिव, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ZED, ये सर्टिफिकेशन, दिस इज रियली हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग टू बूस्ट दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और क्या क्या कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। We can bring about digitalization where we can integrate digital technologies like big data, artificial intelligence, virtual reality. ये हम business process में अगर डालेंगे तो digitalization की वजह से बहुत फायदा हो सकता है इन sector को। उसके बाद greening, मतलब जो technology आप इस्तेमाल कर रहे हो देश, it should be clean technology जिसकी वजह से pollution ना हो, environment sustainability भी रहेगी और MSME sector तो उसमें better और ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। उसके बाद जो अभी ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा झटका MSME सेक्टर को लगा, तो इट शुड बी मेक शॉक रेजिलिएंट। बड़े बड़े इंडस्ट्री को ज्यादा झटका नहीं लगता, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ना शॉक रेजिलिएंट पॉलिसीज बनाने चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो गया कि पूरा मार्केट बंद है तो ये बहुत सारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस, मिडिल एंटरप्राइजेस बंद पड़ गए। अभी आज देख कितने सारे शॉप्स बंद हो गए, नए शॉप्स आ गए, कितने सारे जिम्स बंद हो गए नए, या वहाँ पे कुछ नया कुछ आ गया, होटल्स बंद हो गए। ये सब छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट रन कर रही है, विच इज क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस में जॉब क्रिएट किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। तो गवर्नमेंट काफी फंडिंग कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में इसको इंप्रूव करने के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं हम, गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है ही, जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इनिशिएटिव, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन कीजिए, ग्रीनिंग दैट इज यूज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, इंक्रीज रेजिलियंस टू शॉक्स जैसे लॉकडाउन, एंड ऑब्वियसली क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स इन दिस सेक्टर। इस सेक्टर को हमारी हेल्प की जरूरत है, गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत है। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, लो टैक्सेस, थोड़ा सा यू नो सब्सिडी देना चाहिए इस पर्टिकुलर सेक्टर को, ऐसा मुझे लगता है। सो That was a topic on MSME which is related to Indian economy. ये exam में आ सकता है। 27th of June was World MSME Day. तो ये MCQs में भी आ सकता है, General awareness की बात है, पूछते हैं ना ऐसे दिन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो I hope मेरे videos आपको help कर रहे हैं, अगर help कर रहे हैं तो please comment करके बताइए, like करिए, share कीजिए। Till my next video, I am Aditya Kedari from ARK Academy. Take care, thank you and bye.